अज जिस सिख का जन्मदिन है जो मैनू कल गुरमुखा दस्या मैं इशारा कर जाना, सन्मान योग भाई साहब भाई मनी सिंह जी। बदकिस्मती है बड़िया वड्डिया शख्सियत ने साडिया जिन्हां दे जन्म की तरीक बिल्कुल सही किते नहीं मिलती। हर एक ने आप भाई साहब बारे तो इन्ना कुछ किसी ने कितों का जन्म दसिया किसी ने कितों का दसिया, पर पिछले सालों च एक किताब है शहीद बिलास भाई सेवा सिंह भट्ट दी है, इनू ज्ञानी गरजा सिंह ने एडिट किया। मैं तां इह किताब का जिक्र कर रहा भी कितने मन च ना आए भी कितों भाई साहब भाई मनी सिंह, क्योंकि उन्हां दा जन्म दिहाड़ा जिक्र करना जरूरी है। उन्हां दा जन्म अलीपुर विच जो पाकिस्तान च है जिला मुजफ्फरगढ़ उत्थे होया। उन्हां दे पिता दा नाम माई दास सी, इन्हां दे जेड़े माता सन मदरा बाई। भाई मनी सिंह 10 मार्च 1644 इन्हां दा जन्म होया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह तो वड्डे ने भाई साहिब भाई मनी सिंह जी उम्र करके। इन्हां दे परिवार च साहित्यक देन भी बहुत है, इन्हां दी साहित दे तौर ते भी प्रबंधक दे तौर ते कमाल दे प्रबंधक ने भाई मनी सिंह जी। उहदे विच इक कवित है भाई साहिब बारे, सेवा सी करंत ते रहंत गुरां पास सदा, पंजाबी दीआं सतरां ने जी। देखो ये शहीद बिलास विच सेवा सी करंत ते रहंत गुरां पास सदा, लिख लिख बाणी करे पोथियां तैयार ए, पढ़दा पढ़ांदा ते जतांदा नहीं आप ताई, पढ़दा पढ़ांदा ते जतांदा नहीं आप ताई, मन नीवा मत उच्ची ए दिल धारे। समझ गया ना जी, आप शब्द सदे ने सेवा सी करंत ते रहंत गुरां पास सदा, लिख लिख बाणी करे पोथियां तैयारे, पढ़दा पढ़ांदा ते जतांदा नहीं आप ताई, मन नीवा मत उच्ची ए दिल धारे। खटी तपी पूरा सिक्खी सिदक दा पुतला सी, साखियां सिदक दिया करदा तैयार है, सेवा करी इवें किवें बीत गए बरक कई युद्ध दे करन विच वड्डा हशियार है। सेवा करी इवें कि हरी मतलब सिंह, याद रखियो ये पुराने जिहड़े कवि सन जां मिरगंद जां हर शब्द वरदे सन। एक मोदी ने जिक्र किया सी किताब है चरण हरी विस्तार, डॉक्टर बलबीर सिंह उन्होंने एडिट की, मिलती नहीं मैनूं बड़ी पुरानी के सज्जन तो अमृतसर तो मिली कागज उहदा भुरदा एड्डी वड्डी पोथी चरण हरी विस्तार। चरण ना उन्होंने पिता का खरीदर सिंह शेर कहिंदे हरी नूं हर नूं, इत्थे उह कहिंदे सेवा खरी सेवा सिंह कह रहा इवें किवें बीत गए बरख कई युद्ध दे करन विच वड्डा हुशियार है। भाई मनी सिंह गुरु हर राय साहिब दे वेले आए आ, उंज इन्हां तो पहला इन्हां दे सन्मानयोग दादा भाई बल्लू राय जी ओ अमृतसर दी पहली जंग विच गुरु हरगोबिंद साहिब दे सामने शहीद हो चुके आ। वेखो जो सानू वैसे तो बड़ा वड्डा परिवार है शहीदां दा, दादा शहीद होया, भाई साहिब समेत 12 भरा ने जी, भाई मनी सिंह जी समेत 12 भरावां विचों सिर्फ एक भाई अमरचंद बीमार हो के उन्हां दी डैथ होई, उन्हां चलाणा कीता, भाई साहिब समेत 11 दे 11 भरा शहीद होए आ। भाई दयाला जी जेड़े देग चो बाले गए भाई मनी सिंह दे भ्राता ने, ते उन्हां बारे गुरु तेग बहादुर साहिब जी कहिंदे आ कि भाई दयाल दास जी का कहया होया गुरु का कहया जानना, गुरु तेग बहादुर साहिब दे हुक्मनामे। दादा शहीद अपने समेत 11 भरा शहीद, जिदन अमृत छकिया भाई साहिब समेत 5 पुत्रा ने भी छकिया, उदय सिंह बचित्र सिंह अजब सिंह अनक सिंह ते अजैब सिंह, अजब सिंह अजैब सिंह ते अनक सिंह तिन्ने पुत्र चमकौर शहीद होए, भाई बचित्र सिंह ते उदय सिंह वाह शहीद होए। भाई बचित्र सिंह जी ने नागनी मारी तवियां पाड़ दित्तियां, भाई मनी सिंह दा बेटा है। भाई उदय सिंह जी ने राजे केसरी चंद का सिर उतारिया, भाई मनी सिंह दा बेटा है। 11 भरा अपने समेत 11, 10 पुत्रां चो 7 पुत्र शहीद ते 10 पोतरे शहीद, 29 जी बन गए मेरा ख्याल। दादा
11 फिर 7 फिर 10 इन्ने क बनते हैं। मैं फिर बेनती करांगा उस भाई मनी सिंह दी देन उन्हूं दे असी भुल नहीं सकते। अज जिहड़ा दरबार साहब का भी तुसी देखते हो मर्यादा का भी है काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है ये उन्होंने स्थापित किया। मैं उस दिन भी कहा 1636-38 तो लैके 1699 तक दरबार साहब का प्रबंध जिहड़ा मीणियां दे कोल सी। भाई मनी सिंह वो ऐसी शख्सियत सन वो पंथ नूं भी जोड़दे पए सन। उन्हां दा अज जन्म दिहाड़ा है जिन्हां नूं बंद बंद करके कटिया बंद कटिया बंद बंद करके ना। रतन सिंह भंगू ने भावें होर कंसैप्ट लिखे है वह कहिंदा है कि जदों भाई साहब नूं शहादत की गल चलती है भी बंद बंद कटिया जाना है वह कहिंदे आ जलाद कहिंदा काजी कहिंदा ये एडा सोहना तेरा चेहरा बजुर्ग तू इना दाना प्रधाना तू छड बाजा चार दिन ये शरीर नहीं मिलना। भाई साहब कहिंदे शरीर बड़ी बारी मिलिया साडे मुताबक अगा भी मिलूगा पर चेते रखी सिखी कई जन्मां तो बाद मिलती है नहीं मिलनी जिवें डोल गया थे। वो 17 ने दे ही किसकी बापरी जे सिखी साबित होए ते ही तो आमन जान है सिखी मिले कब कोए। अज उस महापुरख का शब्द वरता भाई साहब भाई मनी सिंह जी उन्हां दा शहादत वाला दिन है ते गुरु तेग बहादुर साहब दे कोल वो बाणी पढ़ाउण दा काम करदे सन। उत्थे लिखिया है कि तेग बहादुर गुरु टिग चक नानकी पाए बाणी सुने बाणी पढ़े बाणी लिखे लिखाए। गुरु तेग बहादुर गुरु हर रह साहब गुरु हर की अकल देना दिन मना ना महाराज जदों चलाना किया भाई मनी सिंह दिल्ली है उदो मनी राम कहिंदे सन। गुरु हर कृष्ण साहब गुरु हर रह साहब गुरु हर कृष्ण साहब गुरु तेग बहादुर जिदन मक्खण शाह प्रगट करता मनी सिंह उत्थे है। तुसी इतों हिसाब ला लो किन्ना गुरु घर का विश्वास पात्र सिख है। जो आनंदपुर छड़िया जाता है तो माता सुंदरी जी तो माता साहब कौर भाई मनी सिंह उन्होंने सेवा करता है दिल्ली लैके जाते हैं। उस सिख नूं आई तुसी याद कर दे हो। मैं बड़ा संखेप जी बेनती की है बड़ा विस्तार है उन्होंने जीवन संबंध में पर फिर उस विषय पर आइए। गुरु जी कहिंदे आ नानक मुक्त ताहे तुम मानो जे घट राम समावे। जिस घट विच जिस हिरदे विच प्रभु दा नाम समा गया वह बंदा मुक्त है वह बंधना विच नहीं पैंदा उहदा कुराए पिया मन सिमरन च जुड़दा। फिर मैं फिर बेनती करांगा कि मन डांगा नाल नहीं मनना। डांगा नाल कट्टड़ता पैदा होगी जिवें धक्का चलदा है। मैं अज उत्थे स्टॉकटन कहा मैं कहा याद रखो सिखी की परिभाषा कितने अनमत की थॉट लैके ना करो धक्का नहीं इत्थे प्रवान। जे शेख फरीद है तो शेख फरीद ही भगत फरीद कोई नहीं बनाया जो नाम उन्होंने प्रचलित सी। इस करके सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह कल उन्होंने गुरगद्दी दिन भी है जो मैं दसिया तो गुरु हरकृष्ण साहब का कल प्रभ पुरप्याना दिवस भी है तो शब्द आप जरूर विचारांगे। मेरी इच्छा है मैं इस इलाके रोज़ाना एक एक शब्द गुरुदेव का कर दिया सब का धन्यवाद। तो मेरी बेनती अगले हफ्ते तुसी भारी गिनती चाहो महाराज की शताब्दी है। दूजा जिहड़ा गुरमुखां कह ये मेरे मन का फुरना सी भी शब्द चौकी जरूर कटिए। उंज वैसे साडियां तीन चौकियां ने जी चौकियां ये इतिहासिक चौकियां नितनिम दियां चौकियां ते यात्रू चौकियां जिहड़ियां शब्द चौकियां ने। पहली चौकी है नितनिम दी चौकी। नितनिम दी चौकी हरिमंदर साहब च जिवें तपहरे दी चौकी भाई साहब जदों आसा की वार दे विच अरदास हुंदी है शब्द चौकी आनंद साहब की फिर आसा की वार दी फिर बिलावल दी कल्याण दी चरण कमल दी सारियां ने सो दर दी चौकी ये नितनेम दियां चौकियां ने। दो कोई चौकियां हिस्टोरिकल ने वैसे भी चलो इतिहास नाल जोड़ लिए। वो पहली चौकी निकलती है जदों गुरु हरगोबिंद साहब डरौली ने बाबा बुढ़ा साहब अमृतसर चौकी कढ़दे आ फिर ये चौकी अमृतसर तो कढ़ी हुई ग्वालियर जाती है
ग्वालियर तो शब्द चौकी वापस आती है, तो जिदन गुरु हरगोबिंद साहब आते उदन फिर बाबा जी शब्द चौकी कढ़ते उत्थे फिर वर मिलता है कि तेरी कड़ी चौकी जुगो जुग अटल रहेगी। वो अज भी चौकी रोजाना शाम को श्री अकाल तख्त साहिब निकलती भाई साहब अंदर कीर्तन बंद हो जाता है बाबा बुढ़ा जी की चौकी आती है। तो ये गल होर मैं इतने कहा कि मैं क्या जो बजुर्ग रह गए थोड़े जने जो चौकी कढ़ते असी क चौकी कढ़नी असी ढोलकी बजावे है ना चिमटे बजावे असी लैच गाँगे जड़िया हरिमंदर साहब चौकियां निकलदियां उन्होंने शैली बिल्कुल वक्री है। श्रोमणी कमेटी पता नहीं मन चाहे कि ना किसी दे मैं कहना जे वह नहीं कोई सिख उपराला कर लो जे बजुर्ग जिंदे जे वह चौकी कढ़ दें उनकी शैली शैली जी रिकॉर्ड कर लो आने वाली सदियां पता लगे भी चौकी इस तरह कढ़ी जाती सी। वो कोई साज नहीं वरते है ना जी गुटके हाथ विच ने उन्होंने तरीके गाउण दा वखरा है। ये नहीं जी साडियां चौकियां ये इतिहासक हुण एक ने यात्रू चौकियां वो यात्रू चौकियां जिन्हें वेखनिया होण उंज साडे लुधियाने भी निकलदी महीने च एक वारी आलमगीर जांदे आ रात नूं मस्या दी एक रात पहलां तरन तारण के दुआले जिने पिंड ने पिंडां वाले लालटना लैके शब्द चौकी कढ के तरन तारण आउंदे आ तरन तारण तो गोइंदवाल साहब जांदी है। याद रखियो शब्द चौकियां तीन ने नितनेम दियां चौकियां इतिहासक चौकियां ते एक है साडियां यात्रू चौकियां इन्हां नूं यात्रू कहिंदे जिहड़ा उदन आपां कढ़ना प्रभात फेरी भी है पर असल च गुरु तेग बहादुर साहब दे आगमन च सिखां ने शब्द चौकी कढ़नी है। चौकी का अर्थ है पहरेदार बस ये समाप्ति है चौकी का अर्थ पहरेदार पहरा ये दार शब्द वर दे तो चौकीदार शब्द बनया जिथे चौकीदार होवे पहरा देन वाला उत्थे बंदा कोई फटकदा नहीं गलत ते जिस थान ते शब्द की चौकी लग जाए उत्थे जमदूत कदी नहीं फटकदा। गुरका शब्द रखवारे चौकी चौगिरद हमारे राम नाम मन लागा जम लज्जा ए कर पाका। इस करके प्रबंधक वीरां दा धन्नवाद जो टाइम इन्होंने बनाया तुसी सारे आए हो मेरी बेनती है आपां गुरु तेग बहादुर साहब नूं याद करांगे सच्चे पातशाह मेहर करनगे ताहीं मैं कहा ठीक है इतिहासक थां साडे ने जे इत्थे शब्द चौकी निकलेगी तो गुरु तेग बहादुर साहब इत्थे भी मेहर करनगे। शब्द तां सर्वव्यापक है सब दा धन्नवाद जी।